Hello students, welcome back. I'm here again. So today we are going to start with a new chapter, chapter number 18, No Place For Us. यानी कोई जगह नहीं, हमारे लिए कोई जगह नहीं. So in this chapter what we are going to study, कि जो भी लोग जो है जो relocate होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि what happens कि वहाँ पर जाते हैं तो दे बिकम आउटसाइडर्स. सो इन द सेम वे, अब जैसे ये बेचारे ये मैन है, ही इज सिटिंग ओवर हियर इन अ टिन शेड, यानी एक झुपड़पट्टी में रह रहे हैं. सो यह व्हाट हैपेंस यू नो व्हेन समवन वाज बीइंग रिलोकेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह अगर जाते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, तो वहाँ पर उनको क्या क्या तकलीफें दे आर फेसिंग इट. सो यह जैत्राबाई. सो जैत्राबाई वॉज सिटिंग एट द डोर विथ हिज डॉटर झिमली. तो झिमली इनकी छोटी लड़की है और ये जैत्राबाई जो है दरवाजे के पे बैठे रहते हैं. दे वे वेटिंग फॉर सिद्धिया, सिद्धिया के लिए वेट कर रहे हैं. और सिद्धिया कौन है? ये जैत्राबाई की दूसरी लड़की, बड़ी लड़की है. इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट बट सिद्धिया हैड नॉट कम होम. ये बहुत ही रात भी हो गई है लेकिन अभी तक सिद्धिया आई नहीं है. तो 2 years बैक जैत्रा फैमिली केम टू मुंबई फ्रॉम सिंदूरी विलेज. 2 साल पहले जैत्रा की फैमिली जो है वो बॉम्बे आई है. कहाँ से आई है? सिंदूरी विलेज से. यह दे ओनली न्यू द फैमिली ऑफ अ डिस्टेंट रिलेटिव. यहाँ पर बॉम्बे के अंदर उनको खाली उनका एक फैमिली, एक ही फैमिली को पहचानते हैं जो उनका दूर का रिश्तेदार है. तो विद देयर हेल्प, उनकी मदद से जैत्रा भाई बिगेन टू रिपेयर टोन फिशिंग नेट्स. उसकी हेल्प से, जो उनके फैमिली रिलेटिव है उनकी हेल्प से, जैत्रा भाई क्या काम करते हैं, जो फिश नेट आते हैं उसको रिपेयर करते हैं, जो फटी हुई नेटें रहते हैं. बट द मनी ही गॉट वॉज नॉट इनफ. लेकिन जो पैसे उनको मिलते हैं वो पूरे नहीं होते, कि उनके जो नीड्स होते हैं, नेसेसिटीज होते हैं, वो पूरे नहीं होते. दे गेट लिटिल मेडिसिन. दे हैव टू पे फॉर द मेडिसिन, फूड, स्कूल फीस एंड रेंट फॉर द हाउस. उनको मेडिसिन के लिए पैसे भरने पड़ते हैं, दवाई लाने के लिए, खाने के लिए, स्कूल की फीस भरने के लिए, और घर का भाड़ा देने के लिए, रेंट देने के लिए. सो ये सब देने के बाद उनके पास कुछ बचता ही नहीं है. यानी बहुत ही डिफिकल्टी के साथ ये यहाँ पर ये लाइफ गुजार रहे हैं. हियर दे इवन हैड टू बाय वाटर. यहाँ पर तो इनको पानी भी खरीदना पड़ता है. तो यंग सिद्धिया हैड ऑल्सो टू वर्क इन द नियर बाय फिश फैक्ट्री. तो जो यंग सिद्धिया है उसको भी एक बाजू की फैक्ट्री के अंदर काम करना पड़ता है. तो सिद्धिया क्या काम करती है? तो फिश फैक्ट्री के अंदर वहाँ काम करती है वो. तो फ्रॉम 4 o'clock टिल 7 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मॉर्निंग में, ही क्लीन एंड सॉर्टेड द बिग एंड स्मॉल फिश. तो सिद्धिया काम करती है, सुबह 4 बजे वहाँ पहुँच जाने का फैक्ट्री में, 7 बजे तक, और साफ करने का, और बड़ी फिश और छोटी फिश को सॉर्टिंग करने का, कि बड़ी फिश को अलग रखो, स्मॉल फिश को अलग रखो. देन ही वुड कम होम. फिर ये 7 बजे कंप्लीट करने के बाद उसको घर पे आने का, टेक अ नैप, थोड़ा सा आराम करो, एंड गो टू स्कूल इन द आफ्टरनून. और आफ्टरनून के अंदर दोपहर को शी हैज़ टू गो टू द स्कूल. इन द इवनिंग ही वुड वॉन्डर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट. शाम के टाइम पे क्या होता है कि सिद्धिया क्या करती है कि वो वेजिटेबल मार्केट में यहाँ से वहाँ घूमते रहती है, देखती रहती है. ही वुड हेल्प सम मेम साहेब लेडी टू कैरी हर बैग्स. तो वहाँ पर वेजिटेबल मार्केट में जाती है तो कोई मेम साहब, कोई लेडी आवे जो रिच हो गए, उनको बैग उठाने के लिए. और गो टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अप एम्प्टी बॉटल्स. या तो रेलवे स्टेशन बाजू में जाती थी, खाली बॉटल जो वहाँ पर फेंक के रहते हैं, फेंका हुआ रहता है. और न्यूज़पेपर्स टू सेल टू द कबाड़ी वाला. तो जो न्यूज़पेपर सब पढ़ के फेंक देते हैं तो वो सब उठा के कबाड़ी वाला, यानी जो जंक सेलर होता है, वहाँ पर ला के बेचती है. सम हाउ दे वर मैनेजिंग देयर लाइफ इन द सिटी. कैसे ऐसे जैसे तैसे करके वो अपनी सिटी के अंदर लाइफ को मैनेज कर रहे हैं. इट वॉज नाइट, ये अंधेरा हो गया, बट सिद्धिया हैड नॉट कम होम. लेकिन ना अंधेरा हो गया लेकिन सिद्धिया अभी भी घर नहीं आई है. झिमली वॉज वॉचिंग अ डांस ऑन टीवी थ्रू द नेबर्स विंडो. तो झिमली क्या कर रही है? टीवी के ऊपर डांस देख रही है नेबर के विंडो में से.
बट जैत्रा डिड नॉट लाइक वॉचिंग टीवी, जैत्रा को टीवी देखने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। यर एवरीथिंग वॉज सो, यहाँ पर हर चीज़ जो है डिफरेंट थी, यर एवरीथिंग वॉज सो डिफरेंट, हर चीज़ अलग अलग थी। द डे वुड पास रनिंग अराउंड द वर्क बट द इवनिंग ब्रॉड बैक ओल्ड मेमोरीज, यानी यहाँ पर क्या है कि पूरा दिन काम करते करते निकल जाए, उनको पता ही नहीं चले, और जब शाम हो जाए तो जूनी यादें जो है वो उनको आ जाती थी। तो जूनी यादें क्या क्या थी उनकी, तो जैत्रा फेल्ट अलोन इवन इन अ क्राउड ऑफ पीपल, हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस, वो अकेला है, आजू बाजू पब्लिक है, क्राउड है, फिर भी ही फेल्ट अलोन, तो क्या कभी तुमको भी ऐसा लगा? तो मालूम है कभी मॉम के साथ में मार्केट जाते हो तो एक बार थोड़ा सा अगर सेपरेट हो जाते हो, मॉम के हाथ से हाथ छूट जाता है तो थोड़ा अलग हो जाते हो, तो उस वक्त कैसे लगता है तुम्हारे को कि बहुत ही पीपल है, बहुत ही क्राउडेड सब है मार्केट के अंदर, लेकिन ऐसे टाइम पे यू फील अलोन एज यू नो नो वन, किसी को तुम पहचानते नहीं हो, एट दैट टाइम यू फील अलोन। तो इमेजिन हाउ इट फील्स टू लिव वंस ओन प्लेस एंड गो फॉर अवे, गो फार अवे टू लिव इन अ न्यू प्लेस, सोचो अपना खुद का एक जगह छोड़ के और कोई दूसरी नई जगह पे दूर जाना कैसा लगता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लीव वंस ओन प्लेस, अपनी खुद की जगह छोड़ के जाना और कई नई जगह पे दूर जाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सो लेकिन व्हाई दिस इज़ बिकॉज देर इज़ नो बडी विथ हुम यू वी कैन शेयर आर फीलिंग्स, क्योंकि नई जगह पे जाने से क्या होता है, अकेले रहते हैं, कोई होता नहीं है वहाँ पर, तुम अपनी फीलिंग्स शेयर करो, अपने प्रॉब्लम्स या कोई दूसरे काम का जो अदर मैटर्स है तो वो शेयर करो, तो इसलिए ये अपने आप को बहुत ख़राब लगता है एंड यू फील वेरी सैड अपनी जगह छोड़ के जाने को। तो व्हाई डू यू थिंक फैमिलीज लाइक दैट ऑफ जैतराज आर कमिंग टू बिग सिटीज़, तो क्या सोचते हो कि जैसे फैमिली आई है जैतरा की, ऐसी दूसरी फैमिली भी बड़ी बड़ी सिटी में क्यों जाते हैं? द फैमिलीज लाइक दैट ऑफ जैतरा ऑफन कम टू बिग सिटीज ड्यू टू पॉवर्टी, क्योंकि वो गरीब रहते हैं, गरीब होते हैं तो दे थिंक कि बड़े सिटी में जाएंगे तो वी कैन फुलफिल आर ड्रीम, कुछ ज़्यादा पैसा कमाएंगे और एक बेटर लाइफ हमारे को मिलेगी। सो देर मे ऑल्सो भी मेनी प्रॉब्लम्स विद देम इन द विलेज, विलेज में उनके साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, कैसे फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स ड्यू टू स्कैंटली रेनफॉल, कभी कभी बारिश कम होने की वजह से फार्म के अंदर जो खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, तो समटाइम्स दे आर आस्क्ड टू लीव द विलेज बाय द गवर्नमेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि गांव छोड़ने को गवर्नमेंट वो ऑर्डर देती है या कोई प्राइवेट कंपनी ऑर्डर करती है, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज और डैम्स, कोई फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करना है या कोई डैम बनाना है तो या तो गवर्नमेंट हमारे को बाहर निकाल देगी या तो कोई प्राइवेट कंपनी को फैक्ट्री डालना है वो अलग कर देगी, तो अपनी जगह छोड़ने को वो फोर्स कर दिए, तो इसीलिए ये लोग बिग सिटीज़ में जाते हैं। तो हैव यू सीन एनी चिल्ड्रन इन योर स्कूल और नेबरहुड हु ऑल्सो गो टू वर्क, कभी तुमने तुम्हारे स्कूल के अंदर या अपने अड़ोस पड़ोस में किसी बच्चे को देखा है काम पे जाते हुए? यस, बहुत सारे फ्यू चिल्ड्रन आते हैं हु गो टू वर्क, तो व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू दे डू एंड वेयर डू दे हैव टू वर्क, क्या काम करते हैं और क्यों करते हैं? तो दे हैव टू डू द फॉलोइंग टाइप ऑफ वर्क, फिश कैचिंग, क्लीनिंग, पिकिंग अप लगेज ऑफ पीपल बस रे या तो बस स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे, कबारी वाला पिकिंग अप रैग्स, कचरा उठाना घर के और बड़ी डस्टबिन में डाल देना, डस्टबिन में से भी उठाना, एज अ वर्किंग एज अ सर्वेंट इन हाउस और शॉप, नौकर की तरह कोई भी घर में काम करना या दुकान में करना, दे हैव टू वर्क बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बेचारे गरीब है इसके लिए उनको काम करना पड़ता है, दे हैव टू बिलोंग टू दोज फैमिली हु आर पुअर, वो ऐसे फैमिली को बिलोंग करते हैं जो पुअर है, दे डोंट हैव मनी इवन टू ईट द बेसिक फूड, उनके पास पैसे भी नहीं होते कि वो बेसिक फूड खा सके, दस देयर चिल्ड्रन आर फोर्स टू वर्क, इसके लिए उनके जो बच्चे होते हैं दे आर फोर्स टू वर्क। तो रिमेम्बरिंग ओल्ड डेज, तो जैतरा अपने जुने दिन जो है वो याद कर रहा था। तो जैतरा वॉज बॉर्न इन खेड़ी विलेज इन द मिडल ऑफ,
इन द मिडल ऑफ थिक ग्रीन जंगल्स एंड हिल्स। तो जैतरा कहाँ पर पैदा हुआ था? खेड़ी विलेज में, एकदम जंगल के बीचों बीच, हरे भरे जंगल थे और पहाड़ों के बीच में एक खेड़ी विलेज है, वहाँ पर जैतरा पैदा हुआ था। हिज पीपल हैड बीन लिविंग देयर फॉर मेनी ईयर्स। उनके लोग वहाँ पर बहुत सालों से रहते थे, इवन बिफोर हिज ग्रैंड फादर वॉज बॉर्न। कब? उनके पर दादा जो थे ना, उनके दादा के पहले से भी यहीं पर रहते थे। सो देर वॉज पीस इन जैतराज विलेज। यहाँ पर जैतरा के विलेज में एकदम शांति थी, बट नॉट साइलेंस। शांति थी लेकिन सन्नाटा नहीं था, साइलेंस नहीं था। देर आर मेनी शूटिंग सूदिंग साउंड्स, बहुत सारे एकदम कान को अच्छा लगे ऐसे साउंड्स थे। कौन से? द गगल ऑफ द फ्लोइंग रिवर, जब रिवर फ्लो करती है तो आवाज़ जो आती है उसकी। द मर्मर ऑफ ट्रीज, जब हवा चलती है तो ट्रीज हिलते हैं। एंड द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों की, बर्ड्स की चहचहाने की आवाज़ आती है। पीपल डिड फार्मिंग, वो फार्मिंग जो लोग करते हैं। दे वुड गो टू द नियर बाय फॉरेस्ट, वो बाजू के जंगल में जाते थे, चैटिंग एंड सिंगिंग टुगेदर, बात करते करते और गाते गाते। टू कलेक्ट वाइल्ड फ्रूट्स, वाइल्ड फ्रूट जंगली फ्रूट जो थे वो कलेक्ट करते थे, रूट्स कलेक्ट करते थे, सूखी लकड़ियाँ कलेक्ट करते थे। वाइल्ड वर्किंग विथ एल्डर्स, बड़े लोगों के साथ में काम करते। चिल्ड्रेन ऑल्सो लर्नड मेनी थिंग्स, बच्चे भी उनके साथ में कुछ सीखते थे। टू डांस टुगेदर, टू प्ले फ्लूट एंड ढोल, साथ में डांस करते थे, फ्लूट बजाते थे, ढोल बजाते थे। टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले एंड बैम्बू, जो है पॉट्स बनाते थे क्ले के और बैम्बू के। टू रिकग्नाइज बर्ड्स एंड इमिटेट देयर साउंड्स, और मालूम है गाँव के अंदर जाते हैं तो बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ से, साउंड से वी रिकग्नाइज ये कौन सी बर्ड है, और उनके साउंड से हम इमिटेट हो जाते थे एक्सेट्रा। तो पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर द यूज, जंगल से वो सिर्फ चीज़ें लाते थे अपने यूज के लिए। तो सम ऑफ दोज दे वुड सेल इन द टाउन, कुछ जो है वो बाजू के टाउन में, सिटी में बेच देते थे। विद दैट मनी दे वुड बाई सॉल्ट, ऑयल, राइस एंड सम क्लोथ्स, वो पैसे से क्या करते थे कि वो नमक, तेल, चावल और कुछ कपड़े लेके आते थे, लेकिन बाकी कोई चीज़ उनको लाने की ज़रूरत नहीं रहती थी, तो वो सब वहीं पे उगाते थे। तो जो बाकी जो बेचते थे टाउन के अंदर, उससे ये सब चीज़ें लेके आते थे, सॉल्ट था, ऑयल, राइस और क्लोथ्स लेके आते थे। तो इट वॉज अ विलेज, यहाँ पर गाँव था, ये गाँव है, बट पीपल यर लिव टूगेदर लाइक अ बिग फैमिली, यहाँ लोग जो है एक बड़ी फैमिली की तरह रहते हैं। जो जैतरा की जो सिस्टर थी, ये भी यहीं उसकी शादी हुई थी। पीपल हेल्प्ड ईच अदर, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इन गुड और बैड टाइम्स, अच्छे दिन और बुरे दिन में भी यहाँ पर एक दूसरे को हेल्प करते थे। द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग्स एंड सेटल क्वारल्स, जो बड़े लोग होते थे वो शादियाँ कराते थे एक दूसरे की, और जो भी झगड़ा होता था उसको सेटल करते थे। तो जैतरा वॉज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, जैतरा जो है अभी एक जवान आदमी हो गया। ही वर्कड हार्ड इन द फील्ड्स एंड कॉट फिश फ्रॉम द बिग रिवर, वो अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था और बाजू के रिवर से फिश लेके आता था। ही एंड हिज फ्रेंड वुड गो टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फ्रूट्स, उसके और उसके जो फ्रेंड्स थे वो जंगल में जाते थे फ्रूट कलेक्ट करते, रूट्स एंड प्लांट्स फॉर मेडिसिन, मेडिसिन के लिए प्लांट्स में से मेडिसिन कलेक्ट करते थे, एंड फिश फ्रॉम द रिवर टू सेल दीज इन द टाउन, और फिश रिवर से और ये सब बेच टाउन में बेच देते थे। तो ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम पे क्या होता था कि जैतरा वुड डांस एंड प्ले द ड्रम, तो जैतरा क्या डांस करता था और ड्रम भी बजाता था विद बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ हिज एज, उसकी एज की उम्र के लड़के लोग के साथ में वो खेलता भी था। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू से, तो इन खेड़ी विलेज व्हाट ऑल डिड चिल्ड्रन लर्न, तो खेड़ी विलेज में बच्चे लोग क्या क्या सीखते थे, डांसिंग, प्लेइंग फ्लूट एंड ढोल, मेकिंग वेसल्स एंड अदर थिंग्स फ्रॉम बैम्बू एंड क्ले से बनाते थे वो लोग। तो रिकग्नाइजिंग बर्ड्स एंड इमिटेटिंग देयर साउंड्स, तो व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स, क्या सीखते थे अपने बड़ों से, तो एल्डर्स से एथिक्स सीखते थे वो लोग, टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, टू स्लीप वेकअप, सो जाना, खड़े उठ जाना, स्टडी करना, प्ले टाइम टू टाइम करना, और एक प्रॉपर रूटीन के साथ में।
to maintain love and affection with the friends and brothers and sisters, प्यार मोहब्बत के साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने भाई बहन के साथ में सब अफेक्शन रखना, टू हेल्प इन सम हाउस होल्ड जॉब्स, किसी को कोई काम हो क्यों कोई ज़रूरी हो तो उनको हेल्प करना. तो जैतरा लर्न सो मेनी थिंग्स इन खेड़ी, हाउ मेनी ऑफ दोज वुड बी यूजफुल फॉर हिम इन मुंबई. अब जैतरा कहाँ शिफ्ट हो गया, मुंबई के अंदर, तो इसने बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो ये सब चीज़ें उसको बॉम्बे में क्या काम आई, तो उसके कुछ काम इसको बॉम्बे में आई. ये कुछ काम क्या है कि उससे वो अपना पैसा कमा सके थोड़ा बहुत, जैसे फिश कैच करना, सेलिंग गुड्स इन द मार्केट, प्लेइंग ढोल एक्सेट्रा, ये सब खाली काम काम, ये सब चीज़ें उसके लिए काम आई. डू यू हियर द साउंड्स ऑफ बर्ड्स एवरी डे, विच वन, कोई साउंड सुनते हो बर्ड्स की, गुटर गुटर पिजन की सुनते हैं जैसे हम, ची ची स्पैरो की सुनते हैं, काउ काउ क्रो की सुनते हैं हम, तो क्या होता है ये सब साउंड सुनते हैं हम, तो कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ एनी बर्ड, शो हाउ, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं. एंड वी हियर द साउंड्स, तो वॉट आर सम ऑफ द साउंड्स दैट यू हियर एवरी डे बट द पीपल ऑफ खेड़ी मे नॉट बी हियरिंग. अब कौन से साउंड है जो तुम रोज सुनते हो और खेड़ी विलेज के पीपल जो है वो लोग नहीं सुन सकते, वो गांव के अंदर रहते थे, जंगल में रहते थे, तो हॉर्न ऑफ द व्हीकल तो नहीं सुन सकते थे, साउंड ऑफ ट्रेन भी नहीं सुन सकते थे, लाउड स्पीकर की आवाज़ भी नहीं सुन सकते थे, बट वी आर हियरिंग इट. सो हैव यू एक्सपीरियंस साइलेंस एंड वेयर एंड व्हेन, कभी साइलेंस एक्सपीरियंस किया है तुमने और कहाँ पर किया है? तो यस, आई फील साइलेंस डेली एट नाइट, नाइट के टाइम पे साइलेंस में मैंने एक्सपीरियंस किया है. व्हेन आई गो फॉर स्लीपिंग, जब सोने जाता हूँ तब एक्सपीरियंस किया था, एकदम सन्नाटा हो जाता है. तो एट दिस टाइम देर इज़ नो साउंड एट ऑल, कोई आवाज़ नहीं होती है, एकदम सन्नाटा होता है, लोग जो है एनिमल्स बर्ड्स ऑल आर स्लीपिंग, तो ये सब सो जाते हैं. देर इज़ नो व्हीकल ऑन द रोड्स, कोई व्हीकल्स नहीं रहता है रोड पे. देन दस देर इज़ अ कम्प्लीट साइलेंस, इसलिए एकदम कम्प्लीट साइलेंस हो जाता है. तो यहाँ तक वी हैव स्टडीड कम्प्लीट ऑफ चैप्टर फर्स्ट पार्ट, एंड देन नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द पार्ट टू. थैंक यू स्टूडेंट्स.